अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जनपद फिरोजाबाद में डायरिया के चलते चलाए जा रहे फर्जी डॉक्टर की धरपकड़ में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने नगला बरी स्थित कुशवाह क्लिनिक पर मारा छापा। मौके पर मिले 3 मरीज जिसमें 2 बच्चे 1 महिला मिली। मौके से डॉक्टर आर बी कुशवाह फरार हो गए। थाना रसूलपुर और थाना रामगढ़ भी मौके पर पहुंचा, जहां अनियमितता से चलता मिला क्लिनिक, जिसे मौके पर ही फोर्स एवं डॉक्टरों द्वारा सीज कर दिया गया और नोटिस भी लगाया। देखिए हमारे संवाददाता करण कुमार की यह रिपोर्ट। किसको लाई थी यहाँ पे, क्या परेशानी क्या थी, कब से एडमिट किया था यहाँ पे, क्या कंडीशन है उसकी? अब कौन आया है, अब कौन है, अब हालत कैसी है, अब कहाँ ले जा रही है उसको, कहीं सरकारी हॉस्पिटल वगैरह? क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, आप बच्चे को लेके आए, किस जगह लेके आए हो और किस तरह का इलाज करा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे खाना में टाइफाइड निकला था। क्या करा रहे हैं अभी? ब्लड की कमी बताइए तो ब्लड चढ़ रहा है। अच्छा, आपको पता है ये झोला छाप डॉक्टर और कोई वैसे डॉक्टर नहीं है जिनके पास डिग्री नहीं है? आप इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं, हम का नाम है डिग्री और अच्छा कब से तैयार कराती बच्चे की? कल का नाम है टाइफाइड निकला है, इसको टेस्टिंग कराइए। क्या बताया डॉक्टर साहब ने? टाइफाइड बताया था। फिर ये ब्लड की किसने बताया था? ब्लड डॉक्टर साहब ने कही थी कि ब्लड की कमी है। आगरा भी हमने दिखाया, आगरा भी चेकअप कराया। नगला बरी पे किस जगह आपने छापा मारा है और किस तरह की अनियमितताएं मिली हैं? ये डॉक्टर है जिसका जो हमें नहीं मिला, इसके पास कोई रजिस्ट्रेशन हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है और इसके यहाँ एक पेशेंट को ड्रिप चल रही है, एक पेशेंट को ब्लड चल रहा है, जबकि ये उसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो ये हम इसको जो मरीजों को शिफ्ट करा रहे हैं जिला अस्पताल और इसके क्लिनिक को शिफ्ट करेंगे। सर, ज़्यादातर आपके विभाग द्वारा आपके द्वारा छापे मारे जा रहे हैं, फिर भी इन लोगों पर नकेल नहीं कसी जा रही, आखिर कारण क्या रहता है? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों इन लोगों का होता क्या है कि जैसे आज हमने इसको यहाँ पकड़ा, कल मालूम पड़ा कि कुछ दिन बाद ये बंद रहते हैं, फिर दूसरी जगह खोल लेते हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए।